सर आइज़क न्यूटन वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने अकेले अपने दम पर मॉडर्न साइंस का नक्शा बदल के रख दिया। न्यूटन एक मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनमर, ऑथर, हिस्टोरियन, थियोलॉजन और एक फिलोसोफर भी थे। आज वे दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक माने जाते हैं। वीडियो को एंड तक देखते रहिए, आप इस महान वैज्ञानिक के बारे में 20 ऐसी बातें जानोगे जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी होंगी। नंबर 20, हम बचपन से एक कहानी सुनते आए हैं कि एक दिन न्यूटन एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे तो एक सेब टूटकर उनके सर पे आ लगा। तभी उन्होंने सोचा कि ये सेब नीचे ही क्यों आया, इधर उधर या ऊपर क्यों नहीं गया, और अगर चीज़ों को नीचे धरती पर ही गिरना होता है तो चांद भी तो ऊपर दिखाई देता है, वो नीचे क्यों नहीं गिरता। तब न्यूटन ने सोचा कि ज़रूर धरती में कोई फोर्स है जो चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, और यहाँ से न्यूटन को ग्रेविटी का आइडिया आया। अब इस कहानी के बारे में बहुत सी राय हैं। बहुत से स्कॉलर्स कहते हैं कि ये सिर्फ बाद में बनाई गई एक कहानी है और एक फ्रेंच राइटर वोल्टेयर ने इस कहानी को पॉपुलर किया है। बहुत से स्कॉलर्स कहते हैं कि ये कहानी सच है, लेकिन सेब न्यूटन के सर पे नहीं बल्कि उनके आगे गिरा था। कहा यह भी जाता है कि वो सेब के पेड़ के नीचे नहीं बैठे थे बल्कि अपने घर की विंडो से सेब के पेड़ को देख रहे थे, और तब गिरते सेब को देखकर उन्हें ग्रेविटी का आइडिया आया। अब ऐसे भी एविडेंसेस मौजूद हैं जो इस कहानी को सच साबित करते हैं। ज़्यादातर स्कॉलर्स मानते हैं कि न्यूटन ने इस सारी घटना को अपने ही समय के एक वैज्ञानिक और लेखक विलियम स्टुकली को बताया था। विलियम स्टुकली उन सबसे पहले लेखकों में से एक हैं जिन्होंने न्यूटन की लाइफ के बारे में लिखा है। जो बुक स्टुकली ने लिखी थी उसका नाम है मेमोर्स ऑफ सर आइज़क न्यूटन्स लाइफ। इसकी मैन्यूस्क्रिप्ट ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी के पास सुरक्षित रखी है, लेकिन रॉयल सोसाइटी की लाइब्रेरी के चीफ का कहना है कि सेब गिरने की कहानी महज एक कहानी ही लगती है जिसे न्यूटन ने बाद में आम लोगों को समझाने के लिए बनाया था। नंबर 19, एप्पल कंपनी का जो सबसे पहला लोगो था उसमें न्यूटन की तस्वीर थी। इस लोगो में न्यूटन के उसी पल को दिखाया गया था जिस पल में वो एप्पल ट्री के नीचे बैठे थे और एप्पल उनके सर पे आ गिरता है और उन्हें ग्रेविटी का आइडिया आता है। नंबर 18, 1665 में इंग्लैंड के कैम्ब्रिज शहर में प्लेग की बीमारी फैल गई थी। उस वक्त न्यूटन कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। न्यूटन और उसके सभी क्लासमेट्स को प्लेग से बचने के लिए उनके घर रवाना कर दिया गया। यही टाइम न्यूटन की लाइफ का सबसे प्रोडक्टिव पीरियड साबित हुआ। यही वो टाइम था जब उन्होंने कैलकुलस का आविष्कार किया और वो चीज़ हमें दी जिसे आज न्यूटोनियन फिजिक्स कहते हैं। नंबर 17, न्यूटन ने कई सालों तक अपनी डिस्कवरीज को दुनिया से छिपाए रखा। कई सालों तक उन्होंने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया। शायद उन्हें इस बात का डर रहा होगा कि लोग उनकी की गई खोजों को सही नहीं मानेंगे। नंबर 16, एक साइंटिस्ट होने के बावजूद भी वो बड़े धार्मिक इंसान थे। उन्होंने खुद लिखा है कि ग्रेविटी हमें ग्रहों की गति के बारे में बताती है, लेकिन ये नहीं बता सकती कि इन ग्रहों को गति में किसने सेट किया है। ईश्वर सभी चीज़ों को नियंत्रित करता है और जानता है कि क्या है और क्या किया जा सकता है। नंबर 15, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक धार्मिक व्यक्ति होने के बावजूद और ईश्वर पर विश्वास रखने के बावजूद भी न्यूटन भूत, आत्मा और शैतान आदि पर विश्वास नहीं करते थे। नंबर 14, न्यूटन का बाइबल को लेकर बहुत जुनून था। बाइबल को बड़ी गहराई से पढ़ते थे, यहाँ तक कि साइंस से ज़्यादा उन्होंने धर्म और इतिहास के बारे में लिखा है। नंबर 13, बाइबल पढ़ने की वजह से ही उन्हें कुछ चीज़ों को प्रेडिक्ट भी किया। न्यूटन ने अनुमान लगाया था कि जीसस को सूली एग्जैक्टली 3 अप्रैल 33 एडी को दी गई थी। नंबर 12, न्यूटन के अनुमान के मुताबिक यह दुनिया 2060 से पहले खत्म नहीं होगी। नंबर 11, कहा जाता है कि न्यूटन ने पहले ही बता दिया था कि यहूदी इसराइल को फिर से हासिल करेंगे और उनकी यह भविष्यवाणी सच साबित हुई। नंबर 10, बाइबल को लेकर उनका जुनून इतना ज़्यादा था कि वो जस्ट इसलिए हिब्रू भाषा को सीखने चले गए कि उन्हें बाइबल में छिपे गूढ़ अर्थों को समझना था।
आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस न्यूटन को हम आज एक महान साइंटिस्ट के तौर पर जानते हैं, उसी न्यूटन ने अपनी ज़िंदगी का आधे से ज़्यादा टाइम साइंस पर काम करने की बजाय धर्म के गूढ़ अर्थों को जानने में लगा दिया। नंबर 9, जिस साल ग्रेट साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली की डेथ हुई थी, सेम उसी साल सर आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ था। नंबर 8, जब न्यूटन का जन्म हुआ तब वो नॉर्मल नहीं थे। उनका आकार और वजन बहुत कम था, वे समय से पहले पैदा हुए थे। उनकी माँ ने बताया था कि उनका आकार इतना कम था कि वे एक छोटे मग में समा सकते थे, इसलिए इनके जिंदा बचने की उम्मीद बहुत कम थी। नंबर 7, आइजैक न्यूटन के फादर का नाम भी आइजैक न्यूटन ही था। नंबर 6, न्यूटन के जन्म के 3 महीने पहले ही उनके फादर की डेथ हो गई थी। नंबर 5, न्यूटन ने आजीवन शादी नहीं की। नंबर 4, न्यूटन की मां चाहती थी कि वे फार्मर बने। उनका जन्म भी एक फार्मर फैमिली में हुआ था, लेकिन न्यूटन को फार्मिंग बिल्कुल पसंद नहीं थी। नंबर 3, न्यूटन ही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि पृथ्वी गोल नहीं बल्कि अंडाकार है। नंबर 2, जिस एप्पल ट्री से न्यूटन को ग्रेविटी का आइडिया आया था, उस ट्री का वंशज आज भी इंग्लैंड में मौजूद है। हालांकि जो ओरिजिनल ट्री था वो 1815 से 1820 के बीच नष्ट हो गया था। इस एप्पल ट्री का साइंस के इतिहास में बड़ा महत्व है, क्योंकि इसी ट्री से एप्पल को गिरता देखकर न्यूटन ने ग्रेविटी को खोजा था। नंबर 1, इसी ट्री की लकड़ी का टुकड़ा सर आइजैक न्यूटन की तस्वीर के साथ स्पेस में भी भेजा जा चुका है, ताकि न्यूटन ने आज हमें और साइंस को जो दिया है उसके लिए उनका आभार व्यक्त किया जा सके और उस एप्पल ट्री को जीरो ग्रेविटी का एहसास कराया जा सके। आज अगर न्यूटन जिंदा होते तो ये देखकर खुशी से मर जाते। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। सर आइजैक न्यूटन की ये बातें अगर आपको पसंद आई हों तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। हिस्ट्री और फिलोसफी से जुड़ी ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा देना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।